For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. हर दिन के उगते और ढलते सूरज के साथ टाइगर जिंदा है अपनी रिलीज डेट की तरफ कदम बढ़ाते जा रही है, और इसी के साथ एक और बात भी तेजी से लोगों की जुबान पर इन दिनों घूम रही है, आखिर टाइगर जिंदा है की टिकट्स की कीमत क्या होगी। वैसे ये बात जहन में आना अटपटा भी नहीं, आखिर टाइगर जिंदा है इस साल की सबसे बड़ी फिल्म जो मानी जा रही है। लेकिन आपको बता दें, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि टाइगर जिंदा है की टिकट प्राइस सुल्तान जितनी ही रखी जाएगी। वैसे इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है, लेकिन खबरों के मुताबिक टाइगर जिंदा है कि टिकट प्राइसेस मिनिमल ही रखे जाएंगे, ताकि भाईजान के फैंस उनकी इस मूवी का पॉकेट पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए लुफ्त उठा पाए। बात करते हैं इसकी रिलीज की, तो अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी ये स्पाई थ्रिलर इस साल क्रिसमस पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी उत्सुक हैं इस फिल्म के रिलीज का? टाइगर जिंदा है के रैप अप होते ही सलमान खान एक और हिट की तैयारी में जुट गए हैं। वैसे तो रेस 3 से उठने वाले तूफान का आगाज हमें पहले ही मिल चुका है, जब सलमान ने इस फिल्म से अपने लुक को रिवील करते हुए शूटिंग शुरू होने की न्यूज फैंस के साथ शेयर की थी। और अब सलमान की एक और तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रही है, जहां सलमान अकेले नहीं बल्कि अपनी इस अगली फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा और प्रोड्यूसर रमेश तौरानी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वैसे ट्यूबलाइट में भोले भाले सलमान, टाइगर जिंदा है में डेडली सलमान के बाद अब बारी है रेस 3 में ब्रेथ टेकिंगली हैंडसम सलमान की। बता दें, रेस सीरीज की ये तीसरी इंस्टॉलमेंट अगले साल ईद पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।